मार दो मुझे, खत्म कर दो मुझे। रुक जाओ, कोई मारो, चलाओ गोली। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मिस्टर बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे कभी खुश नहीं देख सकती ना। मैं यहाँ लड्डू को उन किडनैपर से छुड़ाने आया था, और देखो पुलिस लेकर आ गई। पहले तुम्हारी वजह से गोविंद की जान गई, अब लड्डू की। तुम माँ के नाम पे नहीं, तुम तो औरत के नाम पे थपाओ। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी ममता होती ना, तो ऐसा करने से पहले तुम लड्डू के बारे में सोचती। लेकिन नहीं, तुम्हें महान बनना था, तुम्हें ममता की कोई फिक्र नहीं थी, तुम्हें लड्डू की कोई फिक्र नहीं थी। तुम्हारे अंदर ममता है ही नहीं। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? लड्डू की फिक्र जितनी आपको है, उतनी मुझे भी है सुयश। वो हमारा बेटा है, आपका और मेरा। नाम है कि मानने को तैयार ही नहीं है। क्या लगा था आपको कि लड्डू आपको यहाँ मिलेगा? अरे अगर कोई किडनैपर होता तो आपसे पैसे मांगता, ऐसे अकेले मैंने को नहीं कहता। ये आपके दुश्मनों की चाल है, जो आपको अकेले बुलाकर आपको मारना चाहते थे। हो गया तुम्हारा? हाँ बोल लिया। आप मेरी बात इसलिए नहीं मान रही, इसलिए नहीं सुन रही, क्योंकि मैं आपसे ये बात कह रही पर सुयश। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को मेरी जिंदगी से दूर ले जाइए, वरना मुझे इसके खिलाफ कोर्ट से रिस्ट्रेन ऑर्डर लेना पड़ेगा। क्योंकि ये कभी कभी नहीं, 7 साल से ऐसा कुछ काम कुछ ना कुछ ज़रूर कर देती हैं, जिससे कि मुझे इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन होती है कि जब भी मैं कोई काम को सुधारने की कोशिश करता हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है इनको, ये अपनी गेम अलग खेल रही होती है। मुझे नहीं पता ये कहाँ से ये डाइस फेंकते हैं और ये क्या कर रही है, मुझे नहीं समझ में आता। एक्चुअली इनकी जान खतरे में होती है, मुझे पता चलता है कि जो किडनैपर्स है वो जानबूझ के इनको यहाँ पे बुला रहे हैं आइसोलेटेड प्लेस पे, ताकि ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी कहानी बना के आई है। क्योंकि किडनैपर ने मुझे अकेला बुलाया था, और किडनैपर को फोन आता है, वही तो मैं इनको समझाने की कोशिश करती हूं, पर ये इतना गुस्सा हो जाते हैं कि ये अपने ऊपर ही गन रख लेते हैं, कहते हैं कि गेट आउट ऑफ माय लाइफ अदरवाइज किल मी। हां मतलब तुम इतना सब कुछ होते हुए नहीं देख सकती हो, तो इससे अच्छा मुझे मार ही दो ना। मतलब तुम खुश मुझे नहीं देख सकती हो, हर काम में तुम्हें टांग अड़ानी है, और हर चीज में तुम्हें महान बनना है। क्योंकि मैं हूँ महान, तो ठीक है बनो महान, मारो गोली। हाँ क्योंकि मैंने फाइनली इंस्पेक्टर साहब को ये बोल दिया कि अगर आप इस औरत को मेरी जिंदगी से दूर नहीं लेके जाएंगे, तो मुझे मजबूरन जो है कोर्ट से इनके खिलाफ रिस्ट्रेन ऑर्डर लेना पड़ेगा।